नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई हमें दुख देता क्यों है और दूसरी बात कि हमें दुख होता क्यों है। आज का जो टॉपिक है वो आप सुनकर दुखी होना भूल जाएंगे, आपको आज के बाद बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि सामने वाला अगर आपको दुख दे रहा है तो आपको उसकी खुद की मनोस्थिति समझनी है। अब वो आपको समझनी कैसे है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगी। आपके घर में नमक और चीनी दोनों खत्म हो गई है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट भी बंद है, रात का समय है, आप कहीं से ला नहीं सकते और आपको उसकी जरूरत है। अब आप अपने पड़ोसी के पास गए चीनी लेने के लिए, लेकिन पड़ोसी बोला कि मेरे घर में तो सबको शुगर है, डायबिटीज के पेशेंट है, मेरे घर में तो शुगर नहीं है, सिर्फ नमक ही नमक है। तो आपको उसने क्या दिया, नमक दिया। जो चीज उसके पास थी उसने आपको दी ना। ऐसे ही ये एग्जाम्पल आपको मैंने क्यों दिया, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि सामने वाले के पास जो चीज है आप सोचिए कि वो आपको दुखी कर रहा है तो आप सबसे पहली बात तो क्या सोचेंगे कि उसके पास क्या है, उसके पास तो दुखों का भंडार है, उसके पास दुख अपरंपार है, उसके पास जो चीज है वही तो वो आपको देगा, ये सोचने वाली बात है। उसके पास अगर खुशी होती, उसके पास अगर चीनी होती तो आपको चीनी देता, लेकिन जो चीज उसने आपको दी है इसका मतलब वो चीज उसके पास बहुत ज्यादा थी इसलिए उसने आपको दी है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए ये सोचना है कि यार मुझे जो इसने दुख दिया है या मुझे इसने जो गंदा बोला है या इसने मुझे जिस भी तरह से ट्रीट किया है ये चीज तो इसके पास थी। ये आप सोचिए कि वो इंसान आपकी दया का पात्र है या फिर आपके क्रोध का पात्र है। वो आपकी दया का पात्र हुआ क्योंकि जो उसने आपको एक छोटा सा छोटे से छींटे जिस चीज के दिए हैं, सोचिए उसके पास तो उस चीज का समंदर था, उस दुखों का समंदर उसके पास था जो उसने आपको दिया है। जब ये सोच आप अपने मन में लेके आ जाएंगे ना, उसको क्रोध की दृष्टि से छोड़कर अगर दया की दृष्टि से देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो दुख है, आपको जो मन में बुरा लगा है वो खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा ये सोचना है कि सामने, कई बार हमारी सोच में आता है नहीं नहीं उसका तो भला हो रहा है, कितना बेकार करता है मेरे साथ या उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है लेकिन भला हो रहा है। देखिए दो चीजें हैं, इंसान अपनी अंदर की चीजें कभी नहीं दिखाता। शो ऑफ किन चीजों का किया जाता है, जो चीजें उनके पास नहीं होती उस चीजों का शो ऑफ करते हैं, उस खुशी को दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में आपके पास नहीं है। अब आ जाती हूँ दूसरी बात की ओर कि हमें दुख क्यों होता है। जब हम ये चीज जान लेंगे तो दुख होने का सवाल ही नहीं होगा और ये चीज यहीं खत्म हो जाएगी और हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें दुख क्यों होता है। जब कोई हमें कुछ बोल देता है या गंदा बोल दिया, यहाँ पर मैं फिजिकली अब्यूज करने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ बातों की बात हो रही है कि अगर किसी ने हमें गलत बोल दिया या किसी ने बुरा कर दिया और हमें दुख हुआ है। देखिए जब आपको दुख होता है तो आपको क्या करना है, भगवान ने दो चीजें बनाई है, दो कान दिए हैं। अगर आपको कोई इधर से बुरा बोल रहा है ना तो उसको यहाँ से निकालने के लिए ही बनाया गया है। आपको ये चीज को अपने दिमाग तक लेके नहीं जानी है। आपको क्या करना है, सामने वाला आपको कितना भी बुरा बोले आप सबसे पहले उसको दया की दृष्टि से देखिए। आप ये सोचिए कि हाँ ठीक है इसने बोल दिया, ये तो खुद अगर इसने मुझे बुरा बोला है या इसकी नजर में मैं बुरी हूँ तो ये इसकी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत नहीं। जब आप अपने आप में पॉजिटिविटी रखेंगे, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि ठीक है यार इसने जो था इसके पास इसने मुझे दिया, मुझे ये नहीं लेना है, मुझे इसका बुराई नहीं लेनी है। अगर इसने मुझे ऐसा बोल भी दिया है तो मुझे इस चीज से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, ये सामने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सामने वाला आपको दुख क्यों देता है, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आप दुखी होते हैं। सामने वाला आपको चीट अगर कर रहा है तो आप अपने आप को क्यों तकलीफ देंगे, ठीक है उसका कर्मा उसको भोगना है। अगर उसने गलत किया है तो कर्मा पर विश्वास रखिए, अगर उसने गलत किया है तो वो उस चीज का परिणाम भुगतेगा। आप जब ये सोच अपने मन में ले आएंगे ना तो आपका जो दुख है वो छू मंतर हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।